यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील के विठोली गांव में 18 वर्षीय सार्थक गावंडी की हत्या की सनसनीखेज वारदात की गुत्थी आखिरकार 50 दिन बाद सुलझ गई है। दिग्रस पुलिस ने सार्थक की हत्या करने के जुर्म में उसके चचेरे भाई अरविंद गावंडे को हिरासत में ले लिया है। पेशे दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। एक ऐसा भी वक्त था जब टीवी पर इंडियाज मोस्ट वांटेड, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इन कार्यक्रमों के जरिए ज्यादातर बड़े शहरों के अपराध और जुर्म की वास्तविक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रमों को देखकर छोटे शहरों के लोग सिहर उठते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ अपराध की जड़ें मानो अब देहातों और गांवों तक फैलती नजर आ रही है। हाल ही में बीते 2 अप्रैल को दिग्रस तहसील के विठोली गांव में 18 वर्षीय सार्थक दीपक गावंडे नामक युवक की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद दिग्रस पुलिस और एलसीबी दस्ते ने 50 दिन की जांच के बाद मंगलवार 23 मई को मृतक सार्थक के चचेरे भाई 32 वर्षीय अरविंद उर्फ गुड्डू विलासराव गावंडे को हिरासत में ले लिया। हत्या के पहले दिन से आरोपी अरविंद गावंडे पर आरोप तय करने तक का पुलिसिया जाँच का सफर काफी पेचीदा था। पहले दिन घटनास्थल के पंचनामे से लेकर डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद, 70 से 80 लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की जानकारी देने वाले के लिए 50,000 रुपए की इनामी घोषणा भी की थी, लेकिन बात जमी नहीं। एक एक दिन बीतता गया और आखिरकार पुलिस के मुताबिक उन्हें मिले अहम सबूतों के आधार पर मृतक के चचेरे भाई अरविंद उर्फ गुड्डू गावंडे को हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि मृतक और आरोपी के परिवार में खेत और प्रॉपर्टी को लेकर उपजे विवाद के साथ ही मृतक की तरक्की से आरोपी के मन में उठी जलन की भावना ने उग्र रूप धारण किया, जिसके फलस्वरूप अरविंद गावंडे ने अपने ही भाई को खेत में अकेला पाकर धारदार शस्त्र से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के बाद लोगों में कई तरह की चर्चा और कयासों का दौर चलता रहा। बहरहाल जब 23 मई को आरोपी को पुलिस ने थाने में लाया, तब तक आरोपी अरविंद की मासूमियत देखते ही बन रही थी। वह पुलिस के सामने खुद को बड़ा मासूम बताने का प्रयास करता रहा। बातों बातों में उसने यह भी कहा कि मैं निर्दोष हूं, सार्थक को मारने वाला आरोपी पकड़ा जाए इसके लिए मैंने उपवास रखने और विठोली गांव के मारुति मंदिर की मूर्ति के लिए चांदी की आंखें दान करने की मन्नत मांगी है। ऐसे में 23 मई मंगलवार की शाम तलक खुद आरोपी की आंखें उस वक्त चौक गई जब उस पर धारा 302 और 201 के तहत हत्या को अंजाम देने का जुर्म तय हुआ और उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल गई। शायद आरोपी अरविंद ये नहीं जानता था कि जब कोई आरोपी कानून के हत्थे चढ़ता है तो उसका हर ढोंग, उसकी सारी बनावटी मासूमियत धाराशाही हो जाती है और सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।